हेलो दोस्तों, मैं शोएब स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल असिस्टेंट में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अनोखी 6 कंप्यूटर ट्रिक्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको कंप्यूटर की ये 6 ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा आपको काम में आएगी। तो चलिए सबसे पहली जो ट्रिक्स है हमारी वो देखते हैं। आप अमूमन अपने कंप्यूटर में कुछ डाउनलोड करते होते हैं फ्रेंड्स, अगर डाउनलोड करते करते ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आपको कहीं जाना होता है तो आप जा नहीं पाते उसे शट डाउन किए बिना। तो ये जो ट्रिक्स है वो है कंप्यूटर को ऑटो शट डाउन करने वाली। जी हाँ, आप जैसे अपना टीवी ऑटो शट डाउन रखते हैं उसी तरह से आप अपना कंप्यूटर भी ऑटो शट डाउन कर सकते हैं। किस तरह से? तो आपको डेस्कटॉप पे ये दिख रहा है ऑटो शट डाउन का ये बटन। इसमें क्या करना है, सिर्फ अगर ये ऑटो शट डाउन जो पहले मैंने क्रिएट किया हुआ है उसे मुझे रिमूव करना है अपने कंप्यूटर से, तो उसके लिए मुझे विंडो बटन के साथ R प्रेस करना है और यहाँ पे जाके लिखना है shutdown/A और ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। ओके बटन पे क्लिक करते ही यहाँ से ये ऑटो शट डाउन हमारा हट जाएगा। उसे नया क्रिएट करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स? तो नया शट डाउन क्रिएट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर से राइट क्लिक करना है और यहां से आपको न्यू में जाके शॉर्टकट पे क्लिक करना है। शॉर्टकट के क्लिक करते ही आपको एक यहां पे शॉर्टकट क्रिएट विंडो ओपन होगा जहां पे आपको लिखना है यहां पे शटडाउन। शटडाउन लिखने के बाद स्पेस स्लैश आपको करना है और यहां पे लिखना है आपको S, स्पेस के साथ आपको /T लिखना है और आप कितने समय के बाद अपना कंप्यूटर शटडाउन करना चाहते हो वो टाइम यहाँ पे दे देना है। सपोज के मैं 1 आवर के बाद उसे शट डाउन कराना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे 1 आवर नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है 3600 यानी के 3600 सेकेंड्स यानी 1 आवर। अगर आपको 2 घंटे के बाद करना है तो आप उस हिसाब से सेकेंड्स लिख दीजिए और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि टाइप योर नेम, यहाँ पे क्या नाम रखना है आपको, वो जो बटन क्रिएट करना है उसका नाम क्या रखना है। तो आप शट डाउन भी रख सकते हो या आप ऑटो शट डाउन भी रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद देखिए यहाँ पे ये एक शॉर्टकट हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे हमें इमेज भी दे सकते हो। आप इसे राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाके आप उसका आइकॉन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट पे क्लिक करके चेंज आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ से एक आइकन यहाँ से आपको चूज कर लेना है। मैं ये आइकन ले लेता हूँ और ओके कर देना है, देन ओके। अब आपका जो कंप्यूटर है वो 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर के बाद अपने आप शट डाउन हो जाएगा। अगर आपको ये जो चीज है वो रिमूव कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वो शट डाउन नहीं करना है तो आपको अगेन मैंने पहले जो बताया विंडो बटन के साथ R प्रेस कीजिए और शट डाउन लिखा हुआ है उसके बाद -A/A करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा आपके डेस्कटॉप के राइट साइड कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि लॉग ऑफ इज कैंसल। तो आपका जो लॉग ऑफ था वो कैंसल हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था ऑटो शट डाउन, किस तरह से हम स्लीप मोड में हमारा कंप्यूटर रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी जो हमारी ट्रिक्स है वो है गॉड मोड। आपको यहाँ पे गॉड मोड दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आइकन आपको कंट्रोल पैनल का लग रहा है लेकिन ये कंट्रोल पैनल नहीं है, ये गॉड मोड है। और ये गॉड मोड मींस क्या है, आप यहाँ से आप कोई भी सेटिंग, सिस्टम सेटिंग करना चाहते हो, सिंक्रोनाइज सेंटर में सेटिंग करना चाहते हो, टास्क बार स्टार्ट मेनू सेटिंग करना चाहते हो, यूजर अकाउंट यहाँ से आप चेंज कर दो, यूजर अकाउंट के ID पासवर्ड सब कुछ एक ही जगह से आपको परमिशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये गॉड मोड किस तरह से क्रिएट होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ से इस गॉड मोड को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो रिमूव करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू एंड यहां से आपको शॉर्टकट, नहीं फ्रेंड्स इस बार आपको शॉर्टकट नहीं, यहां से हम फोल्डर ऑप्शन ओपन करेंगे। फोल्डर ऑप्शन ओपन करने के बाद आपको यहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये गॉड मोड का जो ये कमांड है हमारा वो दिया हुआ है, आप वहां से भी इसे ले सकते हो। आपको यहां से इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको यहां पे आके उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, अपने आप ये गॉड मोड और कंट्रोल पैनल का जो आइकन होता है उसमें चेंज हो जाएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों वो है, आप यहां पे देखिए PM और AM लिखा हुआ आता है आपके टाइम के साथ,
अगर आपको ये पीएम और एएम चेंज करना हो फ्रेंड्स तो किस तरह से, तो सिर्फ आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। यहां से कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको यहां से रीजन एंड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रीजन एंड लैंग्वेज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फ्रेंड्स। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहां से टाइम पे क्लिक करना है, और टाइम बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पे एएम और पीएम सिंबल्स मिलेंगे आपको। तो अभी क्या चल रहा है, अभी पीएम चल रहा है, तो हम पीएम सिंबल में लिख देते हैं अपना नाम, या आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिखिए हेलो और ओके कर दीजिए, यहां से अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए, देन यहां से आप ओके कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे आपका पीएम की जगह पे हेलो लिखा हुआ आ गया है। तो थी ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, आशा रखता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक्स है वो है फ्रेंड्स, आप कभी कभी अपने कंप्यूटर में बहुत कुछ ज्यादा ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। आपने कभी ये न्यू फोल्डर ओपन कर दिया है, आपने यहां से अपने माइक कंप्यूटर में जाके ये ओपन कर दिया। मैं यहां से आपको 4-5 एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूं। यहां से आपने ये नेटवर्क ओपन कर दिया है, यहां से आपने ये फाइल ओपन कर दी है। अब आपने इतना सारा ओपन कर दिया है, अब आप सब कुछ आपको एक साथ मिनिमाइज करना हो तो आप क्या करोगे, तो आप दबाओगे विंडो बटन के साथ डी। तो ये हो गया सारा जो हमने ओपन किया था वो अपने आप मिनिमाइज हो गया। लेकिन अगर मुझे कोई एक एप्लीकेशन है वो ऑन रखनी है, कोई एक एप्लीकेशन मुझे रनिंग मोड में रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये सारी एप्लीकेशंस में मुझे ये एप्लीकेशन जो है नेटवर्क की वो मुझे चालू रखनी है और सारी दूसरी जो एप्लीकेशंस है उसे मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है हमारा, या हमारी एक ट्रिक्स है। उसमें आपको जो ओपन रखना है उस पर क्लिक करना है और बाकी सब पे इस तरह से घुमा देना है। घुमाने के बाद देखिए आपकी जो ओपन रखनी थी, जो रनिंग मोड की एप्लीकेशन थी, वो आपकी रहेगी, बाकी सारी अपने आप मिनिमाइज हो जाएगी फ्रेंड्स। तो अब हमारी नेक्स्ट जो ट्रिक्स है उसमें हमें शॉर्टकट क्रिएट करना है, जो आपकी एप्लीकेशन या आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आपको शॉर्टकट तरीके से ओपन करना हो। आप देखिए ये जो मेरी एप्लीकेशन है उसे मुझे कोई शॉर्टकट की दे देनी है। एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहां से आपको शॉर्टकट बटन पे क्लिक कर देना है, और यहां से आपको शॉर्टकट की लिखा हुआ होगा यहां पे क्लिक करना है। अभी यहां पे नन है, यानी कोई शॉर्टकट की नहीं है। अब यहां पे आप कोई भी शॉर्टकट की, आप सपोज के सी प्रेस करना चाहते हो तो आप सिर्फ अपने कीबोर्ड से सी प्रेस कर दीजिए, अपने आप ये शॉर्टकट कॉम्बिनेशन ले लेगा, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी। अगर आपको सी नहीं रखना है तो आपको कुछ और रखना हो के ए रखना है, तो देखिए कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस ए। अब आपको अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अब आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस ए प्रेस करोगे, अपने आप ये एप्लीकेशन रन हो गई। देखा फ्रेंड्स किस तरह से आसान तरीके से आप कंट्रोल की और शॉर्टकट की के द्वारा आप अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक्स है वो है विंडोज 7 यूजर्स के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप विंडोज 7 यूजर है तो आपके लिए ये ट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। तो शॉर्टकट की ये है कि आपको कंप्यूटर के अंदर विंडो बटन के साथ आपको आर प्रेस करना है, और यहां से आपको जाना है सीएमडी में। सीएमडी में जाने के बाद आपको यहां पे लिखना है एल यू एस आर और एम जी आर। जी हाँ, एल यू एस आर एम जी आर, यानी के लॉग इन यूजर मैनेजर। आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद आपको तुरंत ये यूजर मैनुअल यहां पे मिल जाएगा। अब यहां से आप कोई भी पासवर्ड आपको सेट करना है तो राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए और प्रोसीड कीजिए। अब यहां पे आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। जी हां फ्रेंड्स, आप बिना ओल्ड पासवर्ड के यहां पे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ विंडोज 7 यूजर के लिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।